हेलो एवरीवन, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल साधना मूवीज रिएक्शन। सो गाइस, अब हम देखते हैं सीतारामम का क्लाइमेक्स सीन, जिसके लिए बहुत टाइम से वेट कर रही थी मैं। तो लेट्स सी, और आई एम ऑलरेडी इमोशनल क्योंकि मैं साथ साथ ही देख रही हूँ, प्री क्लाइमेक्स और क्लाइमेक्स में एक साथ ही देख रही हूँ, तो ऑलरेडी मैं बहुत इमोशनल हूँ उस प्री क्लाइमेक्स को देख के। लेट्स सी क्लाइमेक्स में क्या होता है। मैं चाहती हूँ प्लीज़ भगवान दोनों मिल जाए, मतलब यहाँ पर ऐसा ना हो, क्योंकि लोगों ने मुझे बोला तो है क्लाइमेक्स सैड एंडिंग है, बट मे बी ये उस चीज़ के लिए बोलते हैं जो मैंने प्री क्लाइमेक्स में ऑलरेडी देख चुकी हूँ। प्लीज़ अब यहाँ पे कुछ अच्छा हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए, होप फॉर दी बेस्ट। सर इमीडियट मेरे बैलदेराली, लेदे फ्लाइट मिस अवतुंदे, रेप ढिल्ली में चार्ज తీసుకోవాలి। आई बी देयर इन 2 मिनट्स, यू गो वेट। राम కాపాడిన ప్రాణం నువ్వు, ఇక్కడ ఇబ్బంది పడండి మనం, నిన్ను పాకిస్తాన్ పంపే బాధ్యత నాది, రామ్ రాసిన లెటర్ అక్కడ, అది సీతకి అందేలా నేను చూస్తాను। బాలాజీ దగ్గర ఉంది, ఈ పాటికి సీతకి ఇచ్చేసి ఉంటాడు। సీత కాశ్మీర్ లో ఉందా, తను ఇక్కడేం చేస్తుంది? नूरजान का एड्रेस पता है क्या? नहीं साहब जी, पता नहीं। नहीं नहीं, सीता माँ लक्ष्मी का दरकल पा। सीता माँ लक्ष्मी जी ऊ पहाड़ पे रहती है, वो पहाड़ के ऊपर। He's been waiting for 20 years. విష్ణు,
ready to die for your country. Can any family go in Chalachinchava? Any parents? Madras Lokarada. What the Padu? Akram. Mujahide. Oh. Oh! Congratulations. నీకు లాస్ట్ వీక్ అబ్బాయి పుట్టాడు. అక్కడ కాఫీ తాగుతున్నాడు చూసావా ముస్తఫా? ఇన్నోనే బతాయా వో 32 ఫోల్డర్స్ జో మరే ఓన్లీ కాఫీ తాగమని ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చాం, కానీ నువ్వు కోఆపరేట్ చేయకపోతే ఇన్స్ట్రక్షన్ మార్చల్ సొక్కండి. మాకు కాశ్మీర్లో మీ ఆర్మీ యూనిట్స్ లొకేషన్స్ కావాలి. చెప్తే నేను వదిలేస్తాను. జస్ట్ గివ్ అస్ దీస్ కోఆర్డినేట్స్ అండ్ వి విల్ సెండ్ యూ బ్యాక్ హోమ్. ఐ ప్రామిస్. ఇదే ప్రశ్న విష్ణు సార్ అడగండి. తను నాలా కాదు, చంపేస్తాడు. విష్ణు ఒప్పుకున్నాడు కోఆర్డినేట్స్ రెడీగా ఉన్నాడు. ఒకవేళ ఇన్ఫర్మేషన్ లీక్ అయితే నువ్వు నీ దేశంలోనే దేశ ద్రోహుల బ్రతకాల్సి ఉంటుంది. అది చేయడం మాకు నీ సపోర్ట్ కంటిన్యూ చేస్తే నువ్వు హ్యాపీగా బ్రతకొచ్చు. అసలు దేశ ద్రోహి రామని నీ దేశాన్ని నమ్మిస్తాను. కనిపిస్తోంది కన్నీళ్లతో యువతరం తడిసిపోవటం. తొడి చేసుకో. వినిపిస్తుంది తను తిరిగి రమ్మని నీ పిలుపు. నా చుట్టూ ఉన్న నిశ్శబ్దాన్ని చెరిపేస్తూ వినిపిస్తుంది. విష్ణు శర్మ
ఈ ఉదయం తన సర్వీస్ రివాల్వర్ తో దాచుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. లేక్ లెఫ్టినెంట్ రామ్ రాసిన లేఖ ఆధారంగా ఆర్మీ అధికారులు ఆర్మీ యాక్ట్ 34A ప్రకారం ఆయనని విచారించాలని నిర్ణయం తీసుకోవడమే ఇందుకు కారణంగా తెలుస్తుంది. క్షమించమని అడిగారు. కోపం వచ్చింది. ఇప్పుడు అడగకపోతే ప్రాణం పోయేలా ఉంది. సారీ. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద లెటర్. రామ్ బ్రదర్కి ఉన్నారా? तो गाइस जैसे कि हमने पूरी सीतारामा मूवी देख ली है और ये मूवी मुझे बहुत ही ज़्यादा मस्त लगी है. आप मेरी आवाज़ से समझ सकते हैं. बार बार बीच बीच में कट्स लग रहे होंगे क्योंकि मैं एक बार में पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी. आई नो अबाउट मी बट अ अमेजिंग मूवी इट इज़. मैं दोबारा देखूँगी इस मूवी को. घर वालों को भी दिखाऊँगी. मैं देखना चाहती हूँ उस मूवी को बार बार. बहुत अच्छी मूवी थी. बहुत ही ज़्यादा मस्त मूवी थी. मतलब वो एक अनाथ होके भी उन्होंने भारत को अपना भारत माता को अपनी माता समझा. और मतलब एक पूरे इंडिया को अपनी फैमिली समझा. इतने सारे लेटर्स जो उनको आए वो सब उनकी फैमिली थी. उन सब के लिए अंसारी को मारा. वहीदा जो एक उन्होंने प्रॉमिस किया था किसी को वो प्रॉमिस पूरा किया. अपने साथ के सोल्जर को मरने नहीं दिया. उनको उनकी फैमिली के पास वापस भेज दिया. सीता से नहीं मिल पाए. लास्ट में मर भी गए तब भी उन्होंने इतना कुछ किया. बहुत ही परफेक्ट मूवी थी. मैं स्पीचलेस. ज़्यादा बोलूँगी तो नहीं बोल पाऊँगी आई नो. बट आई लव दिस मूवी. I love Ram's character as a soldier, as a husband, as a lover, as a brother, as a son. Like इतने सारे relation जो उनके और लोगों से बने. जो उनको as a character, as a Ram का जो character उन्होंने दिखाया था वो बहुत मस्त था. सीता महालक्ष्मी नूरजहान वो भी character बहुत मस्त था. पूरी life time Ram का wait किया. बहुत मस्त पूरी मूवी. बहुत मस्त सब कुछ. बहुत मस्त डायरेक्शन. बहुत मस्त स्क्रीन प्ले. बहुत बहुत मस्त एक्टिंग. बहुत मस्त स्टोरी. बहुत मस्त सब कुछ. बहुत मस्त मेरी तरफ से इस मूवी को. जितने सारे स्टार्स हैं बहुत मस्त. बहुत मस्त. नो वर्ड्स लेफ्ट. एवरीवन शुड वॉच दिस मूवी. अगर अभी तक भी नहीं देखी है तो जाके देखो. अमेज़न प्राइम में मिल जाएगी. वहाँ जाके मूवी देखो. बहुत मस्त मूवी है.
और अपने फ्रेंड्स को भी बोलो उस मूवी को देखने के लिए यार, कोई कैसे नहीं देख सकता इस मूवी को, कोई कैसे छोड़ सकता है इस मूवी को। बहुत ही परफेक्ट मूवी थी स्टार्टिंग से, जहाँ से बात करी जाए, जहाँ से आफरीन की मतलब रश्मिका मंडाना की एंट्री हुई, उनको लेटर दिया, वहाँ से पूरी मूवी स्टार्ट हुई, जैसे राम को सीता का लेटर मिला, बहुत ही मस्त। तो जो सीता राम की लव स्टोरी दिखाई थी, वो लव स्टोरी बहुत प्यारी, बहुत प्योर, बहुत ज़्यादा प्यार उसमें, और बहुत ही अच्छी थी। मतलब पूरी मूवी बहुत मस्त थी। और आपको कैसी लगी पूरी मूवी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं जानना चाहती हूँ आपके रियल ओपिनियंस मूवी के ऊपर क्या थे, ठीक है। जब आपने फर्स्ट टाइम मूवी देखी थी आप कितना रोए थे, और मुझे सच बताना कौन कौन इस मूवी में रोया था। ऐसा मत बनना कि हम लड़के हैं तो हम रोते नहीं हैं, ऐसा नहीं है। बुरा हर किसी को लगता है, इमोशंस हर किसी के होते हैं, तो मैं समझ सकती हूँ, ठीक है। तो मुझे कमेंट करके बताना, और पूरी मूवी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके बताना। मुझे हर किसी से ना रेटिंग्स चाहिए कि 10 में से आप कितना रेट करना चाहते हैं इस मूवी को, मुझे वो भी कमेंट करना। और बस वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। आई विल सी यू सपोज इन नेक्स्ट मूवी। टिल देन बाय बाय।